हेलो फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? द एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 50 केजी। इफ द वेट ऑफ द क्लास टीचर इज इंक्लूडेड, द एवरेज वेट इज इंक्रीज बाय 1 केजी। द एवरेज वेट ऑफ टीचर इज, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 25 स्टूडेंट का जो एवरेज वेट है वो है 50 केजी। अगर क्लास टीचर को इंक्लूड कर लिया जाए तो जो एवरेज वेट है वो इंक्रीज कर जाता है 1 केजी से। तो वेट पूछ रहा है हमें टीचर का कि क्या है ये बताइए। तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि 25 स्टूडेंट्स का जो एवरेज वेट दे रखा है वो है 50 केजी। ठीक है, जब क्लास टीचर इंक्लूड हो जाता है तो एवरेज वेट बढ़ जाता है 1 केजी से और हो जाता है 51 केजी। ठीक, और स्ट्रेंथ क्या हो गई? पहले कितनी थी? 26, 25 लोग थे, अब एक टीचर ऐड हो गया तो टोटल क्लास में कितने लोग हो गए? 26 लोग हो गए क्लास में। ठीक, ये चीज समझ में आ गई हमें। जो टीचर है उसका अब एवरेज वेट क्या है? 51 है। इट मींस जो टीचर का वेट होगा, एवरेज वेट तो 51 है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा टीचर का वेट रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से, टीचर के वेट की वजह से जो क्लास का एवरेज है वो इंक्रीज कर गया कितने से? 1 केजी से। और 1 केजी से इंक्रीज किया तो सारे स्टूडेंट का वेट कितने केजी से इंक्रीज करेगा? 25 × 1 दैट इज इक्वल टू 25 केजी से। ठीक है, 25 केजी से इंक्रीज करेगा। और ये 25 केजी कहां से आया? इस टीचर के वेट में से आया। तो एवरेज वेट तो टीचर का 51 है प्लस इसमें ये 25 ऐड हो जाएगा तो उसका टोटल वेट आ जाएगा और उसकी वैल्यू कितनी आने वाली है? 76 केजी। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है।